हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट में यूज एंटी और इम्यूनो सप्रेशेंट ड्रग्स के बारे में सबसे पहले जानेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस है क्या माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से आप जानते हैं अगर आपके बॉडी का ही इम्यून सिस्टम मिस्टेक से अपने ही बॉडी के फ्रेश सेल पे अटैक कर दे तो उस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपियर्ड होता है आप सभी जानते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम हमारे गार्ड सेल्स की तरह है जो कि हमें अदर फॉरेन पार्टिकल्स लाइक एज वायरस बैक्टीरिया से बचाते हैं बट इस केस में हमारे ही बॉडी के इम्यून सिस्टम फ्रेश सेल पे अटैक करते हैं और वहाँ दूसरे एंटीबॉडी का डेवलप करते हैं इस एंटीबॉडी के डेवलप से अगर निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे हो तो माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे कंडीशन एपियर्ड होते हैं अब हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के काजेज के बारे में माइस्थेनिया ग्रेविस के कॉजेज को हम देखें तो ये एक मस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें मस्क, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है मसल हमेशा रिलैक्सेशन के प्रोसेस में होता है जिससे कि मसल में हमेशा वीकनेस फैटिग्यू अपियर्ड होने लगता है अगर एसिटाइल कोलाइन निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे बाइंड ना हो तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होता है जिससे कि माइस्थेनिया जैसे कंडीशन एपियड होता है माइस्थेनिया के कंडीशन में सेल सेल पे, एंटी फ्रेश सेल पे एंटी निकोटिनिक रिसेप्टार्स में एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट होने लगता है निकोटिनिक रिसेप्टार्स जिसका बाइंडिंग साइट पे एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है एसिटाइल कोलाइन बाइंड होता है उस पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन हो जाता है इस एक्यूमुलेशन से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता है और एसिटाइल कोल कोलाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाता है जिससे कि मसल कंट्रैक्शन डिक्रीज होता है और मसल हमेशा रिलैक्स के पोजीशन में रहता है निकोटनिक रिसेप्टार्स के बारे में हम जानते हैं कि ये स्किल्टल मसल में पाया जाता है और न्यूरल ट्रांसमीटर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है अगर आप एसिटाइल कोलाइन की बात करें तो एसिटाइल कोलाइन न्यूरो में पाया जाता है जो कि निकोटनिक और मस्कैनिक रिसेप्टार्स पे न्यूरल ट्रांसमीटर करता है न्यूरल ट्रांसमिशन करता है साथ ही साथ ये नर्व सेल के द्वारा भेजे गए सिग्नल्स को मसल सेल के बीच में आदान प्रदान के लिए रिस्पॉन्सिबल है निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे अगर एसिटाइल कोलाइन का बाइंड ना हो तो माइस्थेनिया ग्रेविस जैसे कंडीशन एपियड होते हैं अब हम जानेंगे मसल कंट्रैक्शन में एसिटाइल कोलाइन का क्या रोल है तो सबसे पहले जानेंगे मसल कंट्रैक्ट कैसे होता है मसल कंट्रैक्शन में एसिटाइल कोलाइन साइनेटिक नर्व पे बाइंड होता है सैनेप्टिक नर्व पे बाइंड होने के बाद ये पोस्ट सैनेप्टिक नर्व पे जाता है और पोस्ट सैनेप्टिक नर्व पे जाते ही ये बहुत सारे आयन चैनल को ओपन कर देता है आयन चैनल के ओपन करने से सोडियम आयन के चैनल भी ओपन होता है और ये सोडियम आयन का चैनल मसल में फ्लो होने लगता है मसल में सोडियम आयन के फ्लो होने से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जो कि मसल कंट्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी है जिससे कि मसल कंट्रैक्ट होता है अब हम बात करेंगे माइस्थेनिया ग्रेबिस में कौन कौन से पार्ट एफेक्टेड होता है तो सबसे पहले आईलिड इसमें आईलिड का सिकुड़न आ जाता है फेसियल मसल भी हमेशा रिटार्डेड पोजिशन में रहता है साथ साथ ही थ्रोट भी रिटार्डेड पोजीशन में एपियर्ड होने लगता है लिम्ब हमारे बॉडी के स्किल्टल मसल सारे झुके झुके से नजर आते हैं साथ ही साथ रेस्पिरेटरी मसल भी इफेक्टेड होता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन ना होने से मसल में हमेशा वीकनेस की कंडीशन और जल्दी से थकान की अनुभूति फील होने लगती है कुछ जगह ये माना गया है कि हमारे बॉडी में प्रेजेंस थाइमस ग्लैंड इस एंटीबॉडीज के सिक्रेशन को जो कि रिसेप्टर निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे सिक्रेट होते हैं उसको ट्रिगर करता है उसको प्रमोट करता है अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की अगर एसिटाइल कोलाइन का रिलीज इंक्रीज किया जाए निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे तो एसिटाइल कोलाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे बाइंड होंगे अगर निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे एसिटाइल कोलाइन का बाइंड होगा तो मसल कंट्रैक्ट होगा तो चाहे फिर कितने भी एंटीबॉडीज हो अगर हम एसिटाइल कोलाइन के रिलीज को इंक्रीज करते हैं तो ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे कही न कहीं ना कहीं बाइंड जरूर करेंगे साथ ही साथ इसके ट्रीटमेंट में दूसरा ऑप्शन है अगर आप इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं ऐसा ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है कुछ समय के लिए ताकि हम ताकि हम अपना दूसरा थेरोपेटिक इफेक्ट अचीव कर सके इम्यून सप्रेसेंट ड्रग के यूज करने से एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन इनहिबिट होता है जिससे कि एसिटाइल कोलाइन निकोटेनिक रिसेप्टार्स पे बाइंड होने लगता है अब हम बात करेंगे नियो की नीओ एक ऐसा ड्रग है जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में काम आता है न्यो के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एसिटाइल कोलाइन के सिक्रेशन को ये इंक्रीज करता है और एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज जो कि एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता है उसको इनहिबिट करता है इसके इनहिबिशन से निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे एसिटाइल कोलाइन का इंक्रीज हो जाता है जिससे कि मसल कंट्रैक्ट होने लगता है इसके दूसरा पॉइंट है कि नियो कभी भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता नियो के शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन होने के कारण इसको हमेशा पेरिडो या फिर एम्बिनोनियम के साथ यूज किया जाता है कुछ और ड्रग्स की बात हम करेंगे अब हम बात करेंगे एक और ड्रग एजथियोप्रीन की एजथियोप्रीन एक इम्यूनो ड्रग है ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है जिससे कि निकोटिनिक रिसेप्टार्स पे लगे एंटीबॉडी कम होता है और एसिटाइल कोलाइन फाइनली निकोटनिक रिसेप्टार्स पे बाइंड होके मसल कंट्रैक्शन करवाता है अब आपके सामने दो इमेज होंगी फर्स्ट इमेज में नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कैसे एसिटाइल कोलाइन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है जिससे कि नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है साथ ही साथ सोडियम आयन चैनल का ओपन होता है जिससे कि मसल कंट्रैक्स होता कंट्रैक्शन होता है बट सेकेंड इमेज में आप देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस डिजीज के कंडीशन में निकोटनिक रिसेप्टार्स पे एंटीबॉडी का स्टिमुलेशन फॉर्मेशन होने लगता है जिससे कि एसिटाइल कोलाइन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता और मसल हमेशा रिलैक्स के पोजीशन में होता है इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म कर किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए टेंसिलन टेस्ट डायग्नोसिस किया जाता है जिसमें एड्रोफोनियम ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है 0.5 पॉइंट में किसी भी पर्सन में अगर वो पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव है तो उसका मसल स्ट्रोंगली कंट्रैक्शन होगा जिससे कि पता चल सकेगा कि ये पर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस पॉजिटिव है मसल इसलिए कंट्रैक्ट होता है क्योंकि उनके बॉडी में एसिटाइल कोलाइन ब्रेक नहीं हो पाता एड्रोमो एड्रोफोनियम ड्रग्स इंजेक्ट होने के बाद नॉर्मल पीपुल में एड्रोफोनियम ड्रग्स आप इंजेक्ट करते हैं तो कुछ भी सो नहीं हो पाएगा थैंक यू दोस्तों